गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है, उस पर बात करने वाले हैं जीवन प्रमाण पत्र के बारे में। घर बैठे मोबाइल से 2 मिनट में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना कैसे करें, कोई फीस नहीं, ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अपने मोबाइल स्क्रीन पर प्ले स्टोर के बटन से एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होगी। उस एप्लीकेशन का नाम है आधार फेस आरडी अर्ली एक्सेस। ये ऐप यूनिक आइडेंटिफिकेशन की तरफ से ऑथराइज है। और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में कहीं आप ये सोचो कि ये ऐप कहाँ पर दिखेगी, तो ये ऐप आपके मोबाइल में कहीं भी शो होने वाली नहीं है, क्योंकि ये बायोमेट्रिक आरडी सर्विस की एक्सेस की ऐप है जो कि हाइड रहती है। इसके बाद आपको एक दूसरी एप्लीकेशन और डाउनलोड करनी है, उसका नाम है जीवन प्रमाण ऐप। तो आपको अपने प्ले स्टोर से जीवन प्रमाण ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप जीवन प्रमाण ऐप सर्च करोगे, यहाँ पर इस तरह से जीवन प्रमाण का लोगो आप देख लीजिए, पहचान कर लीजिए, ये लोगो आने वाला है। सीधा आपको इसने इंस्टॉल कर देना है, इंस्टॉल करते इसको ओपन कर देना है। ओपन करते ही ये आपसे एक एक्सेस मांगेगी, आपसे परमिशन मांगेगी, आपको इसकी परमिशन दे देनी है, क्योंकि अलाउ नहीं करोगे तो ऐप आपका काम कैसे करेगा। तो आप अलाउ कर देंगे। अलाउ करते ही सबसे पहला काम होगा डिवाइस का रजिस्ट्रेशन और ऑपरेटर का आइडेंटिफिकेशन। तो आपका ऑपरेटर कौन है और डिवाइस आपकी कौन सी है, उसके लिए यहाँ पर आपको आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी फिल कर देना है। और जैसे ही आप इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे, आपके पास एक ओटीपी आने वाला है। उस ओटीपी को आपने यहाँ पर भर देना है। ओटीपी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन क्लिक करके और क्लिक करते ही आपका फुल नाम भर देना है। फुल नाम जब आप भरोगे तो आपको स्कैन का एक ऑप्शन आएगा, स्कैन फेस का। आप अपना नाम भरेंगे। नाम भरने के बाद आई द होल्डर ऑफ आधार यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। ये जो बॉक्स बना उस पर इसको चेक करेंगे। चेक करते ही आपको स्कैन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्कैन पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये एक्सेस मांगेगा। एक्सेस मांगते ही ये आपके ऑपरेटर का आइडेंटिफिकेशन और फेस आइडेंटिफिकेशन करेगा। तो यहाँ पर ये ऑपरेटर जी हैं, इनका फेस डिटेक्ट करेगा। फेस डिटेक्ट करने के बाद जब ये इमेज कैप्चर हो जाएगी तो सक्सेसफुली आपका क्लाइंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। इसके बाद आपको अगला स्टेप करना है, पेंशनर का आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर आधार नंबर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, ये मोबाइल नंबर वही होगा जो आपके आधार से जुड़ा हुआ है। ईमेल आईडी हो सके तो वो भरें जो उस पर कनेक्टेड है, और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना माय डियर फ्रेंड। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपको ये अगली स्क्रीन पर ले जाएगा, जहाँ पर आपको ओटीपी फिल करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने आगे के प्रोसेस में आपका सबसे पहले नाम, सर्विस, आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में थे, आपका पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज क्या हैं, और आपका स्पर्श पीपीओ नंबर, आपका आधार नंबर, ये भर देना है। और नीचे जो है उस पर नो नो पे क्लिक करना है कि आप री एम्प्लॉई हो या रीमैरिड हो। यदि हो तो यस करना, अदरवाइज नो करना है। दोनों चेक मार्क को टिक कर देना है, यस कर देना है, कन्फर्मेशन देना है। और यस करते ही ये आपको अपना स्क्रीन शो करेगा। स्क्रीन शो करने के बाद स्क्रीन ये दोबारा इसलिए शो करेगा क्योंकि आपका हो सकता है एक ही जगह मल्टीपल पीपीओ, तो आप उन सबको एक बार आपको परमिशन देनी पड़ेगी। तो ये दूसरे नंबर का पीपीओ था। जैसे आप इसको टिक करोगे, स्कैन फेस आते ही पेंशनर से अपनी आंखें ब्लिंक करने को बोलना। ब्लिंक करने 2 बार 3 बार ब्लिंक जैसे ही करेंगे, इमेज कैप्चर हो जाएगी। इमेज कैप्चर होते ही आपका जो है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो चुका होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, प्रमाण आईडी ये प्रमाण आईडी ये प्रमाण, इनके 3 पीपीओ नंबर थे। मल्टीपल पीपीओ सभी के हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले लेगेसी था, फिर बाद में कोरिजिनम बना, उसके बाद स्पर्श बना, तो पीपीओ नंबर कई हो सकते हैं। तो उस तरह से इनका सारे पीपीओ के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो गया है। इससे आपको ये डाउट नहीं रहेगा कहीं मैंने कोई मेरा कोई पीपीओ नंबर तो नहीं छूट गया, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो सबको कर दो आप बेधड़क होके।
ठीक है। उसके बाद आपका लाइफ सर्टिफिकेट इस तरह से जमा हो जाएगा और इसको आप यू कैन व्यू द लाइफ सर्टिफिकेट ऑन द पोर्टल ऑफ जीवन प्रमाण ऐप, उस पर कर देना है। ये बोल रहा है कि आपको दोबारा और करना है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए क्योंकि आपको ऑलरेडी हो चुका है। डू यू वांट टू सक्सेसफुल, तो इसके बाद आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अपने 3 दिन बाद इस पास पोर्टल पर जाकर आप इसको चेक कर लीजिए। इसकी कंफर्मेशन ईमेल आपको आ चुकी है, ये आपके सामने है, और इसकी कंफर्मेशन एसएमएस से भी आपको आ चुका है। आप अपने खुद मोबाइल नंबर पर आपके पाएगा, यहाँ इनका आ चुका है, इनका मैं आपको दिखा देता हूँ। एसएमएस भी इनका साथ के साथ आ चुका है। तो ये एसएमएस है, आप देखिए, और इसमें लिखा हुआ है थैंक यू फॉर सक्सेसफुली सबमिटिंग योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। और ये थी आज का पूरा वीडियो, थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद, थैंक यू।